हेलो एंड वेलकम। लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो ना कि एक सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट रहे, बल्कि उन्होंने साहित्य में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिन्हें बंगाली में साहित्य सम्राट कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चटर्जी जी की, जिन्होंने वंदे मातरम की रचना की, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत भी है। आइए उनके जीवन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या को देखते हैं, जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, बंगाली में साहित्य सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जैमिनी राय, ऑप्शन बी बंकिमचंद चटर्जी, ऑप्शन सी नंदलाल बोस, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपको इसका सही विकल्प बताना है कि साहित्य सम्राट बंगाली में किसे कहा जाता है। उसका सही उत्तर है बंकिमचंद चटर्जी, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने दूसरे विकल्प की ओर, ऑप्शन की ओर या प्रश्न की ओर। गलत विकल्प का चयन करना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, गलत यहाँ पर गलत विकल्प को चयनित करना है। पहला दुर्गेश नंदिनी, पहला बंगाली रोमांस और बंगाली में पहला उपन्यास बंकिम चंद चटर्जी द्वारा लिखा गया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट दुर्गेश नंदिनी, जो कि पहला बंगाली रोमांस था और साथ साथ बंगाली में लिखा गया पहला उपन्यास बंकिम चंद चटर्जी द्वारा। वे एक उपन्यासकार, पत्रकार और कवि थे। जी हाँ, ये भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा स्टेटमेंट, उन्होंने 1891 में राय बहादुर का टाइटल होल्ड किया या उन्हें उपाधि दी गई। जी हाँ, ये भी सही है और आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए इनमें से कोई भी प्रश्न के विकल्प गलत नहीं है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, इसमें सही का विकल्प चयन करना है। कौन सा कथन सही है? बंकिम चंद चटर्जी या उनका पहला अंग्रेजी उपन्यास राजमोहना की पत्नी, राजमोहनास वाइफ था। दूसरा, वे वंदे मातरम के लेखक थे, जो मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया था, जो भारत को एक देवी, भारत माता के रूप में प्रस्तुत करता है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, वे उनका पहला अंग्रेजी उपन्यास राजमोहनास वाइफ था, बिल्कुल सही है। दूसरा, वे वंदे मातरम के लेखक, जो मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया था, जो भारत को एक गॉडेस मदर या भारत माता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दोनों ही उत्तर सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, ऐतिहासिक उपन्यास राजसिम्हा किसने लिखा था? ऐतिहासिक उपन्यास राजसिम्हा किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी नंदलाल बोस, ऑप्शन डी बंकिम चंद चट्टोपाध्याय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बंकिम चंद चट्टोपाध्याय, जिन्होंने राजसिम्हा नामक उपन्यास लिखा था। बढ़ते हैं अपने पाँचवें प्रश्न की ओर, 1872 में बंगाली पत्रिका बंग दर्शन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए अरविंदो घोष, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी राज बिहारी बोस। आपको सही विकल्प का चयन करना है कि बंगाली पत्रिका बंग दर्शन की शुरुआत या स्थापना किसने की, किसने एडिट किया फर्स्ट पहली बार 1872 में। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी बंकिम चंद चट्टोपाध्याय, और चटर्जी ने बंग दर्शन की शुरुआत 1872 में की, जो कि एक बंगाली पत्रिका थी। छठवां प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन सी चटर्जी बंकिम चंद चटर्जी द्वारा संपादित या लिखा नहीं गया है? इस पर विशेष ध्यान दें, नहीं लिखा गया है या पूछा गया है। पहला देवी चौधरानी,
सही है, दूसरा चंद्रशेखर सही है, तीसरा कृष्णकांत तारबिल सही है, चौथा गलत है। चौथा उन्होंने नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र दर्शन, जो कि बीडी सावरकर ने एक बुक थी उसे उन्होंने लिखा था, और उसका सही विकल्प है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चौथा गलत है क्योंकि उन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह नहीं लिखा गया या संपादित नहीं किया गया। बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न। यहाँ पर भी इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। उन्होंने 1873 में विष वृक्ष जहर विच या पॉइजन ट्री नामक पत्रिका का संपादन किया है। जी हाँ, सही है, वे बंगाल के गौड़ीय वैष्णविज्म 15th century के अनुयायी भी थे। जी हाँ, ये भी सही है। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प का चयन करना है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। 1866 में बंगाली में लिखे गए कपाट कुंडला उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिमचंद चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी अरबिंदो घोष, ऑप्शन डी जेमिनी राय। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कपाल कुंडला उपन्यास के लेखक कौन थे। कपाल कुंडला उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने कपाल कुंडला नामक उपन्यास लिखा था, जो कि एक जंगल में रहने वाली एक महिला के प्रति प्रदर्शित किया गया है, जिसमें एक शहरी व्यक्ति उस जंगल में रहने वाली महिला के प्यार में पड़ जाता है और उससे शादी रचा लेता है। इसी के बारे में बताया गया है कपाल कुंडला में। बढ़ते हैं अपने आखिरी और नौवें प्रश्न की ओर। आनंद मठ द एबी ऑफ ब्लीस 1882 के लेखक कौन थे, जो सन्यासी विद्रोह पर एक राजनीतिक उपन्यास जो वंदे मातरंग का भी स्रोत है? ऑप्शन ए जेमिनी रॉय, ऑप्शन बी बंकिमचंद चटर्जी, ऑप्शन टी विष्णु डे, ऑप्शन डी गुलाम मुस्तफा। आनंद मठ और वंदे मातरम के रचयिता या लेखक कोई और नहीं बल्कि बंकिमचंद चटर्जी हैं, जो कि एक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था आनंद मठ, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑफ आवर लास्ट माइल अप्रोच हिंदी यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर इनिशिएटिव्स।